दुखी होने के लिए, चिंतित होने के लिए अथवा हल्के संस्कारों के अधीन होकर जन्म मरण की उस घड़ी में पिसने के लिए आपने जन्म नहीं लिया, ये पक्का कर लेना। दूसरी बात हम ये कहे था, ताली बजाए का कोई जरूरत ना। दूसरी बात हम कहे था कि अपने जीवन में विवेक का आदर करेगा, विवेक का आदर और सामर्थ्य का सदुपयोग, बस दो चीज आई था। छुटवा आदमी महान बन सका था और महान महान से महान परमात्मा को पाए के मुक्त हो सकता है, औरों को मुक्ति का अमृत चखाई सकता है, ऐसा हमारा अनुभव है। मिले हुए बल का सदुपयोग, निर्बल आदमी दुरुपयोग कर ही नहीं सकता, उसके पास तो बल है ही नहीं। जिसके पास बल है वही सदुपयोग करे या दुरुपयोग करे। जो भी दुख है, जो भी चिंता है, जो भी कष्ट है, जो भी मुसीबतें हैं, उनके मूल में दो गलतियां हैं। एक तो विवेक का सदुपयोग नहीं किया। बोले क्या करे, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, आजकल गुरु नहीं मिलते, वैसा हो गया, भगवान की कृपा नहीं हुई। इतना विवेक नहीं कि भगवान अगर कृपा नहीं करेंगे तो भगवान किस बात के हुए। सूरज अगर रोशनी नहीं देगा तो सूरज किस बात का। भगवान ने कृपा नहीं की, मेरा भाग्य ऐसा है, भगवान की कृपा नहीं मिली। आपने विवेक का दुरुपयोग किया है। भगवान कृपा नहीं कर रहे हैं, गुरु नहीं मिल रहे हैं, फलाने ने ऐसा किया, फलाना ने वैसा किया, आपने सचमुच में विवेक का दुरुपयोग किया। दूसरे पर दोषारोपण करके आप अपनी गलती को और गहरा करने की तकलीफ न करें, अपने विवेक का सदुपयोग करें। कहां गलती है, मिले हुए सामर्थ्य का सदुपयोग करें। मिला हुआ सामर्थ्य शारीरिक सामर्थ्य है, मानसिक सामर्थ्य है, बौद्धिक सामर्थ्य है, संगठन का सामर्थ्य है। इन सभी सामर्थ्यों को जहां से समर्थता मिलती है वो आत्मा परमात्मा है। अगर आपके पास धन दौलत सुख सुविधाएं हैं तो आप विवेक का उपयोग कीजिए कि ये साथ में चलेगी नहीं, पहले नहीं थी, बाद में नहीं रहेगी। ये सुख सामग्री मिली है तो इसको भोग कर आसक्त बनने के बजाय इनका सदुपयोग करें, बांट कर, ताकि आसक्ति मिटे और परमात्मा का अनुभव हो। ये विवेक का सदुपयोग हुआ। लेकिन जो मिला है इसको छुपा छुपा के भोग भोग के आप अंदर से खोखले होते जाएं तो हो गया विवेक का दुरुपयोग। ऐसे आप में सामर्थ्य है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं, ऐसी कोई माई के भाई नहीं कि जिनमें कुछ न कुछ सामर्थ्य ना हो। आपने अपने सामर्थ्य का अगर जितना सामर्थ्य है उसका सदुपयोग किया तो आपका सामर्थ्य विभू होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, व्याप्त होता जाएगा। और सामर्थ्य का दुरुपयोग किया तो तुम्हारा सामर्थ्य लघु होता जाएगा। और उसी अपने सामर्थ्य के दुरुपयोग से आप अपना और दूसरों का अहित करते चले जाएंगे। आप जब विवेक का उपयोग करते हैं तो अपना ही हित नहीं करते, अपने संपर्क में आने वालों का भी हित करते हैं। आप जब भूल करते तो अपनी हानि नहीं करते, कईयों की हानि हो जाती है। आप अगर नीचे गिरते तो अकेले नहीं गिरते, कईयों को गिराने का निमित्त बन जाते हैं। जैसे फ्राइड नीचे गिरा, सेक्स में मजा है, मन में जैसा है सेक्सी विचार ऐसा कर लेना चाहिए, विवेक का सदुपयोग नहीं किया और फ्राइड ने उधर ही अपनी बुद्धि लगाई और तर्क कुतर्क लगा कर शास्त्र रच लिए, किताब रच लिए मनोविज्ञान। उनका मनोविज्ञान पढ़कर यूरोप के, अमेरिका के, अफ्रीका के और हिंदुस्तान के कई समझदार लोग नासमझ बन गए, कई तंदुरुस्त लोग बीमार हो गए, कई
शांत आत्मा अशांत हो गए और कई यशस्वी निंदा के पात्र हो गए संभोग से समाधि का भाषण दे देके। विवेक का सदुपयोग नहीं किया और हमने उनका पढ़ा कि भाई मन में आए तो काम विकार भोग लेना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। अपनी पत्नी न मिले तो कोई बात नहीं, पड़ोस में इधर उधर करके अपनी इच्छा पूर्ति कर लेनी चाहिए। ये विवेक का सदुपयोग नहीं है, विवेक का दुरुपयोग है। पतंजलि महाराज कहते हैं विवेक का सदुपयोग क्या है कि काम ये विकार है, इस विकार के अधीन होना अथवा इन विकारों का उपयोग करके आप स्वाधीन होना आपके हाथ की बात है। विकार आया लेकिन आज पूनम है, विकार भोगेंगे तो बेटे बेटियां जो पैदा होंगे वे खोड़ खापड़ लूले लंगड़े अपाहिज या मूर्ख पैदा होंगे। आज पूनम है, भले अपनी पत्नी है, आज संसार व्यवहार नहीं करना है। आज एकादशी है, आज अमावस्या है, ये कर्म इन दिनों में नहीं होता। आपने विवेक का उपयोग किया, पत्नी बीमार है अथवा व्रत रखा है या मासिक धर्म में है तो आपने संयम विवेक करके संयम किया तो ठीक है, नहीं तो आपने विवेक का आश्रय नहीं लिया तो पत्नी जल्दी बीमार होगी, बालक अपाहिज पैदा होंगे और आपकी बल और बुद्धि क्षीण हो जाएगी। आपने विवेक का उपयोग किया, तिथि मृत्यु आदि देखकर संतान को जन्म दिया, आपने कोई पाप नहीं किया। जयराम जी की विवेक का दुरुपयोग किया, आपने पाप किया और पाप का फल है कि आपको परेशान करने वाली संतान पैदा हो, पाप का फल है कि आपकी अकाल मृत्यु हो, पाप का फल है कि आप जरा जरा बात में खिन्न हो जाएं, पाप का फल है कि आप अशांत हो जाएं, पाप का फल है कि आपको जरा सा डिग्री मिले और मैं कुछ हूं ईगो भर जाए। गबारे में हवा ज्यादा भरती है तो फिर खतरा ज्यादा आ जाता है। विवेक का उपयोग करो कि हमारे जैसे तो कई आईएएस हो गए धरती पर, हमारे जैसे तो एलएलबी कई हो गए, हमारे जैसी सेठानियां तो कई हो गई, इसमें अहंकार किस बात का करें। विवेक का उपयोग है कि अहंकार नहीं आएगा, और विवेक का दुरुपयोग करोगे तो जरा सा चमड़ी बोरी होगी मैं तो गोरा हूं, जरा सा डिग्री मिली तो मैं ये हूं मैं वो हूं, तो मैं बढ़ता जाएगा विवेक दबता जाएगा, और मैं बढ़ा विवेक दबा, अविवेक बढ़ा तो आप में जो योग्यता है आप दुरुपयोग करेंगे। आपके खुशामदखोरों का आप पक्षपात करेंगे, अन्याय नहीं तो न्याय नहीं कर पाएंगे, आप अन्याय करेंगे। चाहे आप कलेक्टर की कुर्सी पे हो, चाहे साधु की कुर्सी पे हो, चाहे मां की ममता भरी सुंदर जिम्मेदारी पे हो, लेकिन विवेक का उपयोग नहीं करा तो जो बेटा खुशामत करेगा उसका पक्ष लोगी तो दूसरे के बेटे से अन्याय, दूसरे बेटे से अन्याय होगा। जहां तहां विवेक की नजरिया चाहिए चाहिए और चाहिए। विवेक का दुरुपयोग होता है तो कुटुंब में कलह होता है, विवेक का दुरुपयोग होता है खान पान में तो शरीर में बीमारी।